मैं शेखर कपूर एक बार फिर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीजन 2 न्यूज टेलीविजन इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज। और अब अगली खबर, बात करेंगे दिल्ली के दंगल की। आज डेप्यूटी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया अपना नामांकन भरने वाले हैं, लेकिन इससे पहले वो मंदिर पहुंचे मत्था टेकने के लिए। ये मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं मंदिर, आप देखिए भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। नामांकन आज भरने वाले हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके से चुने जाते रहे विधायक, एक बार फिर से यहीं से किस्मत आजमा रहे हैं। और इनके खाते में जो एक बड़ी बात जाती है, जिसका श्रेय इनकी पार्टी के लोग इन्हें देते हैं, वो ये कि दिल्ली में जो शिक्षा व्यवस्था है, खासतौर पर स्कूलों की हालत, उसे सुधारने में इन्होंने बड़ी भूमिका अदा की है। को लेकर के आज दिन की सबसे बड़ी खबर यह है कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, और नामांकन दाखिल करने से पहले पत्नी के साथ, समर्थकों के साथ पहुंचे हुए हैं मंदिर, भगवान का आशीर्वाद लिया है। मनीष जी, दो तीन सवाल ही करूंगा, आप बहुत ही व्यस्त दिन है आपका, माहौल हम सब देख रहे हैं, परसेप्शन यही है कि ये मुकाबला आपके लिए इस बार जो है वो आसान है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से क्या चुनौती है मनीष सिसोदिया के सामने, आम आदमी पार्टी के सामने इस चुनाव के लिए, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूं कि बहुत कड़ा कठिनाई नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से चुनौती क्या? नहीं, हमारा ये मानना है कि 8 फरवरी तक एक एक दिन चुनौती भरा ही है। हालांकि 5 साल काम किए हैं और बहुत तैयारी के साथ किए हैं, लेकिन फिर भी हम किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कहीं भी कोई आराम से नहीं बैठेंगे कि चुनाव तो जीत ही लिया है। हम 8 फरवरी तक एक एक कार्यकर्ता पूरी मेहनत करेगा। हर आदमी कह रहा है कि साहब ऐसा काम करने वाली सरकार देखी नहीं, सरकारें तो बहुत आई, हर राज्य में अभी भी हैं, बिजली इतनी सस्ती कभी किसी ने नहीं की, सरकारी स्कूल कभी इतने अच्छे नहीं हुए। आज भगवान बद्री विशाल के मंदिर में मैं खड़ा हूँ, उनके आशीर्वाद से बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बहुत सारे लोकल डेवलपमेंट खूब काम हुए हैं, और अगले 5 साल फिर से काम करेंगे भगवान के आशीर्वाद से। चुनौती क्या है फिर? आप कह रहे हैं कि चुनौतीपूर्ण है हर दिन, लेकिन वो है क्या चुनौती? क्या नरेंद्र मोदी चुनौती है? क्या मनोज तिवारी चुनौती है? क्या कांग्रेस चुनौती है? चुनौती क्या आपके सामने? चुनाव अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम ही होता है, लेकिन आगे तो कोई खड़ा नहीं दिख रहा, क्योंकि एक तरफ दिल्ली का मॉडल है जहाँ इतनी शानदार सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल की व्यवस्था है, एक तरफ यूपी में नोएडा, फरीदाबाद में, हरियाणा में फरीदाबाद का मॉडल देख लीजिए बीजेपी का, तो फिर चुनाव है ही नहीं, कहीं काम के बेस पे तो कहीं टक्कर नहीं है किसी से।